पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 4 लाख का गांजा, 10 लाख की कार सहित 2 आरोपी, 3 मोबाइल पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस को उम्मीद है इनसे पूछताछ में एक बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है। पुलिस ने 4 लाख का गांजा, 10 लाख की गाड़ी सहित 2 आरोपियों को पकड़ने में पाई सफलता। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, तमरी से होकर मनगवा के रास्ते गांजे का परिवहन किया जा रहा है, जिसके चलते थाना प्रभारी लौर केपी त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने रास्ते की घेराबंदी की। मुखबिर से मिली सूचना बिल्कुल पुख्ता थी। इसी दौरान तमरी से मनगवा की ओर एक कार स्विफ्ट डिजायर, जिसका नंबर UP35L8988 आती हुई पुलिस को दिखी। पुलिस ने कार को रोका, कार की तलाशी ली। कार के अंदर से पुलिस ने गांजा बरामद कर लिया। कार में सवार 2 आरोपियों को भी पकड़ लिया। पुलिस अधीक्षक कड़ाई से पूछताछ करके अन्य जानकारी भी जुटा रहे हैं। अवैध मादक पदार्थ गांजा पकड़ने के लिए पुलिस ने देवतालाब बाईपास हाईवे, तमरी रोड, चौका सोनवर्षा पर घेराबंदी की थी। उसी दौरान पुलिस को UP35L8988 आती हुई दिखी थी, जिसको रोकने के बाद तलाशी ली गई। गाड़ी के अंदर 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। गाड़ी की डिक्की खोलने में उसके अंदर एक सफेद बोरी में मादक पदार्थ गांजा रखा होना पाया गया, जिस पर कार्रवाई कर अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त कर अपराध कायम कर पुलिस अब जानकारी जुटा रही है। दोनों लोगों से पूछताछ कर रही है, वो गांजा कहाँ से लेकर आ रहे थे, कहाँ लेकर जा रहे थे, किसको देना था। अब उन लोगों की जानकारी जुटाने के बाद पुलिस को लगता है एक पूरा रैकेट उसके पकड़ में आ सकता है। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर 30/23 धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने गाड़ी के अलावा 3 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम पुलिस ने रोहिणी कुशवाहा उर्फ बबलू, पिता रामचंद कुशवाहा, उम्र 49 साल, निवासी पड़रा, थाना सिटी कोतवाली, जिला रीवा। दूसरे आरोपी का नाम उदय प्रकाश चंद्रवंशी, पिता गिरवर प्रसाद चंद्रवंशी, उम्र 37 साल, निवासी ग्राम सलहरो, थाना राजेंद्र ग्राम, जिला अनूपपुर बताया गया है। पूरे मामले को लेकर हमने रीवा जिले के एडिशनल SP अनिल सोनकर से बात की। उनका साफ तौर से कहना था, हमें मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर हमने अपनी टीम बनाई, टीम को सक्रिय किया। नतीजे के रूप में हमने गांजा पकड़ा, एक कार बरामद की, 2 आरोपियों को पकड़ा। अब हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम एक बड़े रैकेट को भी पकड़ सकते हैं। पूछताछ के बाद जो भी खुलासा होगा वो बताया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं एडिशनल SP अनिल सोनकर मामले को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं। कहां से कहां लाई जा रही थी? एक डिजायर गाड़ी अनूपपुर से रीवा आ रही थी, तमरी रूट से उसका परिवहन हो रहा था। थाना प्रभारी लोहर को उनके सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि इसमें एक अवैध रूप से गांजा का परिवहन किया जा रहा है, जिसको घेराबंदी करके उन्होंने अपने टीम के साथ पकड़ा। तलाशी के दौरान 40 किलो गांजा उससे बरामद किया। ये व्यक्ति जो है अनूपपुर से गांजे को ले करके रीवा आ रहे थे। इसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, जिसमें एक उदय चंद्रवंशी है जो अनूपपुर के रहने वाले हैं और एक रोहिणी कुशवाहा पड़रा रीवा का रहने वाला है। दोनों के विरुद्ध जो है अपराध का पंजीयन कर विवेचना की जा रही है। इसमें 40 किलो गांजा और डिजायर गाड़ी जब्त की गई है। दोनों आर्टिकल की जब्ती की अनुमानित कीमत 10 लाख के आसपास है। प्रकरण की विवेचना चल रही है, इनके स्रोतों का पता लगाया जा रहा है कि कहाँ ले जा रहे थे, ये कहाँ से आया था, इत्यादि विषयों पर जो है अभी विवेचना जारी है। जानकारी आने पर आपको शेयर की जाएगी।